सिलवानी थाना अंतर्गत पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने आगामी त्योहारों को लेकर थाना प्रांगण में कलेक्टर रविंद्र कुमार दुबे, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शाहवाल, एसडीएम रवीश श्रीवास्तव, एसडीओपी राजेश तिवारी, थाना प्रभारी सहित प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में हिंदू उत्सव समिति, मुस्लिम त्योहार कमेटी और गणमान्य नागरिकों से चर्चा की। आगामी त्योहार शांतिपूर्ण मनाने का आग्रह किया। कलेक्टर अरविंद दुबे ने नागरिकों से विभिन्न मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा की और अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि विभोर नायक, तहसीलदार रामजीलाल वर्मा, वन परिक्षेत्र अधिकारी महेंद्र सिंह, सीएमओ सुनील जैन, नारायण सिंह यादव, इलियास खान, गजेंद्र गुप्ता सहित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। होली दहन के पूर्व नगर में पुलिस द्वारा सशस्त्र फ्लैग मार्च कर शांतिपूर्ण त्योहार मनाने का संदेश दिया। संत की बैठक की जा रही है, क्या संदेश दे रहे हैं आप? निश्चित रूप से ये शांति समिति की ही बैठक है, परंतु ऑलरेडी यहाँ पर जो स्थानीय हमारे अधिकारी, उन्होंने शांति समिति की बैठक कर ली। एसपी साहब और हम लोग यहाँ डिफरेंट जो हमारे कस्बे हैं उसमें जाके वहाँ के प्रबुद्ध नागरिक जनों से चर्चा कर रहे हैं और त्यौहार की जो तैयारियाँ हैं उनके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं और साथ में उनको आगामी त्यौहारों की शुभकामनाएँ भी दे रहे हैं। तो प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है और यहाँ यदि सिलवानी की बात करें तो बड़ा अच्छा माहौल है, सब प्रेम से मिलजुल कर रह रहे हैं और निश्चित रूप से आगे आने वाले जितने त्यौहार हैं उनको सब मिलजुल कर और अच्छे से मनाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या तैयारी है पुलिस की? पिछले साल दो साल से यहाँ सिलवानी में ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुलिस की लगातार गश्त चल रही है और जो पुलिस का अमला है उसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे कोटवार हैं, पटवारी हैं और इसके अलावा जो भी अमला है, पंचायत कमला, उनको भी बोला गया है कि वो स्थिति पे नज़र रखेंगे, पर कहीं कोई किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। और अब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, रूट्स इतनी अच्छे हैं कि कहीं कोई भी समस्या होती है तो वहाँ तत्काल फोर्स पहुँचेगी। सिलवानी से आशीष सैनी की रिपोर्ट।